सारी सुविधाएं आपको इस रूम में, अगर 4 से 5 लोग भी आप रहते हैं तो। मैं यहाँ आने वाले हर मेहमान को एक घर की फीलिंग देनी है, घर का खाना खिला के उनके चेहरे की वो संतुष्टि देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी प्राशु तिवारी जी को, जिन्होंने हमारी बहुत सारी परेशानियों को आसान कर दिया। थैंक यू प्राशु जी। हर हर महादेव, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। आज के दिन की शुरुआत हम माँ गंगा के घाट से कर रहे हैं, और जिस तरह से वाराणसी जाना जाता है, इसकी खूबसूरती सबसे ज़्यादा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय होती है, और अभी सूर्योदय का समय है। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन देखिए जिस तरह से सूर्य की किरणें माँ गंगा से होते हुए घाटों पर पड़ रही हैं, ये अति मनमोहक दृश्य है, और ये आपको हम ज़रूर दिखाना चाहते थे, इसीलिए हम आज सुबह ही यहाँ पर आए हैं। इसके बाद आज हम आपको बहुत सारे अकोमोडेशंस के ऑप्शंस दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले हम यहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। हम आए हैं दशाश्वमेध घाट पर, और ये मंदिर के बहुत पास है। घाट बहुत बड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ कितनी है, क्योंकि यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, स्नान करते हैं, और यहीं से फिर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं। चलिए अकोमोडेशंस के ऑप्शंस हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले पेट पूजा कर लें, और यहाँ पर क्योंकि ये फेमस चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए स्वादिष्ट इडली, और साथ में उत्तपम अभी गर्मा गर्म मिलेगा हमें, तो हम वो ज़रूर खाएंगे। बहुत सॉफ्ट इडली है, और इस तरह के स्टॉल्स आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। कितने का है भैया ये? 20 रुपये या 2 है? 20 रुपये में 2 इडली, गुड। देखने में ही मतलब अब इतना टेम्पटिंग हो गया कि अब मन कर रहा है जल्दी से बन जाए। हमारी तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर इडली खाने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? तेलुगु। तेलुगु, ओके। एंड हैदराबाद। आनंद टप। यू ऑल्सो लाइक इडली? इडली डोसा। साउथ इंडियन, दिस इज वेरी फेमस। ये बनारसी वर्जन में आपको यहाँ पर पूरा साउथ इंडियन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि सांभर भी होगा, लेकिन इसमें सांभर नहीं है। किनारे करते हैं। हाँ, ये देखिए खोल दीजिए तो भाई साहब। हाँ, ये गर्मा गर्म आप इसको उत्पम बोले या फिर स्टफ समथिंग लाइक, मतलब मुझे तो ये कुलचा जैसा लग रहा है, लेकिन हाँ जी ओके। हमें बैठने के लिए जगह भी मिल गई है, तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके खाएंगे, लेकिन इतना गर्म नहीं खाएंगे। सांभर की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतना अंदर ये मसाला और वो प्याज टमाटर जो डाला हुआ है ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। तो देखिए, जैसा कि मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज करके बोला था कि प्लीज़ आप मंदिर के और रेलवे स्टेशन के आसपास जो अकोमोडेशंस के ऑप्शंस हैं वो आप दिखाएं। सबसे पहले हम आपको जस्ट रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर आगे है, इसी रोड पे आगे रेलवे स्टेशन है, और मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर पर है। भारत सेवाश्रम संघ है ये, और यहाँ पर 159 रूम्स हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान देने वाली है, सुबह 4 बजे ये गेट खुलता है और रात के 10 बजे बंद हो जाता है, तो आपको थोड़ा समय का ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन नहीं होता है ये, और जो रूम मिलता है वो 24 घंटे के लिए मिलता है। तो देखिए, सुविधाओं की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। आश्रम में सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर लिफ्ट दिख रही है, दोनों ब्लॉक्स में आपको लिफ्ट मिलती है, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत बड़ी है, लेकिन भीड़ बहुत रहती है, रूम्स की अवेलेबिलिटी कमी होती है, और जैसा कि मैंने बताया प्री बुकिंग होती नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप देखेंगे सराउंडिंग एरिया पूरा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, और इसमें पीछे की तरफ गार्डन है। खाने की जो सुविधाएं हैं, 50 रुपये की आपका कूपन मिलता है आपको, जिसमें आप लंच 50 रुपये और डिनर 50 रुपये प्रति व्यक्ति। हमने परमिशन लेकर बहुत ही मुश्किल से एक रूम हम दिखा पा रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो और यहाँ पर प्री बुकिंग्स नहीं होती हैं, तो आप यहाँ पर ऑन द स्पॉट आएंगे, अगर रूम अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आपको रूम नहीं मिलेगा। पर रूम मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये AC रूम है। देखिए बड़ा, बहुत बड़ा बेड है, जनरली ये डबल बेड कहा जाता है, लेकिन 4 लोग इसमें आराम से रह सकते हैं। अटैच वॉशरूम आपको मिलता है, यहाँ पर विंडो AC लगा हुआ है। देखिए वॉशरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन और काफ़ी बड़ा है ये। ये सारी सुविधाएं आपको इस रूम में, अगर 4 से 5 लोग भी आप रहते हैं तो आपको 1200 रुपये का चार्ज लगता है। इसी तरह के इनके पास नॉन AC रूम्स भी हैं, उसमें भी आप 4 से 5 लोग रह सकते हैं, और 500 से 600 रुपये आपको उसका चार्ज पड़ता है।
यहाँ आश्रम में देखिए आपको बहुत सुंदर दर्शन हो जाते हैं माँ दुर्गा के, भोले बाबा के और गुरु महाराज जी के भी दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं। देखिए भोजन जो बनता है यहाँ पर लकड़ियों से, तो बहुत ही साफ सुथरा और सात्विक भोजन आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर इस तरह से अगर बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं तो वो अपने खाना खुद भी बना सकते हैं, उसकी व्यवस्था भी है यहाँ पर, क्योंकि इस तरह का प्लेस यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। आपको किचन पूरा मिलता है वहाँ और आप खुद से खाना बनाकर पूरा ग्रुप एक साथ खाना खा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं इस तरह की, 20 रुपये, मात्र 20 रुपये में आपको एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों तरह की यहाँ पर दवाएं मिलती हैं। होम्योपैथी की पर्ची 20 रुपये की है और एलोपैथी में आपको 10 रुपये में 3 दिन की दवा मिलती है। यहाँ पर ये दवाघर है और यहाँ पर ये ओपीडी रूम्स हैं, तो डॉक्टर से यहाँ पर कंसल्टेंसी के बाद आपको दवाई दी जाती है। तो देखिए हमने आपको बहुत सुंदर आश्रम का ऑप्शन दिया है, अब हम आपको बहुत ही सुंदर होम स्टे का ऑप्शन भी देने वाले हैं और होटल का ऑप्शन भी दिखाने वाले हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने होम स्टे में और ये होम स्टे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये भी मंदिर के बहुत पास है, लगभग 1.5 किलोमीटर, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। सिद्धगिरी बाग इस जगह का नाम है। होम स्टेज हमेशा ही हमारी प्रेफरेंस में रहते हैं क्योंकि एक तो आपको बिल्कुल होमली फील होता है और सबसे बड़ी चीज़ खाना, बिल्कुल घर का खाना आपको मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको पार्किंग भी मिल जाती है, एम्बियंस देखिए बहुत सुंदर, गार्डन इन्होंने बनाया हुआ है और ये पूरा ये जो ब्लॉक है ये सेपरेट है, यहाँ पर सब रूम्स हैं। हमारा रूम मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे रूम के बाहर भी एक छोटा सा गार्डन यहाँ पर बना हुआ है, प्लांट्स लगे हुए हैं और बैठ भी सकते हैं हम यहाँ पर। ग्राउंड फ्लोर पर ही हमने रूम लिया है और काफ़ी बड़ा रूम है। देखिए वैसे तो अगर बच्चे भी साथ होते तो सोफ़ा कम बेड भी है यहाँ पर, इजीली अकोमोडेट हो सकते थे। नीट एंड क्लीन वॉशरूम, एमिनिटीज़ आपको सारी मिलती है यहाँ पर जो आपको इनफैक्ट होटल में भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ की जो USP है वो है यहाँ का खाना, जो आपको मैम के हाथ का बना हुआ खाना मिलता है। देखिए बेड बहुत सुंदर है, ये पुराने स्टाइल का थोड़ा सा जिस तरह से एंटीक पेंटिंग है पीछे, बहुत अच्छी है। AC है, फ्रिज है, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर सारी मिलती हैं, TV भी है। और इसके अलावा ये जो सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, होमली फील मिल रहा है, 2,500 की रेंज से यहाँ पर प्राइसिंग शुरू है अप टू 4,000-4,500। और जैसे ही आप अपने रूम से बाहर निकलेंगे तो आपको इतना सुंदर गार्डन मिल जाता है। मैं आपको इनके नॉर्मल रूम्स भी दिखा रही हूँ, ये ट्विन बेडेड है, इसी तरह से इनका एक डबल बेड भी है। यहाँ पर भी इस रूम में सिर्फ आपको साइज़ का फ़र्क लगेगा जो हमारा रूम है और इस रूम में, अदरवाइज़ आपको एमिनिटीज़ सब सेम मिलेंगी। सारे रूम्स में AC लगा हुआ है और सभी रूम्स में अटैच वॉशरूम है। बहुत ही टेस्टफुली इन्होंने इसको डेकोरेट किया है, बिल्कुल अपने घर की तरह। सेम साइज़ में हमें यहाँ पर डबल बेड मिल जाता है, अदर एमिनिटीज सारी सेम मिलेंगी आपको। हमारा ये पूरा ट्रिप वाराणसी का जो पॉसिबल हो पाया है इतने कम समय में, हमने इतनी सारी चीज़ें कवर करी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हरीश जी की वजह से हो पाया है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी इनको। और सबसे अच्छी बात हमें बाद में पता चला कि ये इतना सब जो ऑर्गेनाइज जिस तरीके से किया गया है वो इसीलिए हो पाया है क्योंकि ये इसी प्रोफेशन से हैं और ये हमेशा ये चीज़ें कराते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर ये जो होम स्टे हम आपको दिखा रहे हैं ये इन्हीं का होम स्टे है। और यहाँ पर गेस्ट आते हैं उनको ये खुद से टूर प्लान करके देते हैं। आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और अपना टूर प्लान करना चाहते हैं, यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं। हम हरीश जी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाराणसी बनारस, हम बनारसी साड़ियों के लिए बहुत फेमस है और जो सिल्क यहाँ पर सिल्क का काम किया जाता है, चाहे वो दुपट्टे हैं, साड़ी हैं, बहुत सुंदर होती हैं। एथनिक वेयर जिसको बोला जाता है वो यहाँ पर आपको ऑथेंटिक बिल्कुल मिलता है। लेकिन कई जगह क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है उसके बारे में, नॉलेज नहीं है, तो कई बार चीट होने का भी आपको डर रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको होम स्टे के अंदर ही हरीश जी ने बहुत सुंदर स्टोर बनाया हुआ है जहाँ पर आपको आप पूरे ट्रस्ट के साथ चीज़ें ले सकते हैं। और उसके बारे में डीपली अभी हम जानकारी लेंगे हरीश जी से ही कि किस तरह का मटेरियल है, कैसे हम जान सकते हैं कि ये असली है या नकली है। धन्यवाद सपना जी आपके इतने पॉपुलर चैनल पे मुझे मौका देने के लिए।
मेरा 41 वर्ष से बनारसी साड़ी का काम है और पिछले 29-30 वर्षों से मैं मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हूँ। शुरुआत में सिर्फ ट्रेडिंग किया करता था और मेरी दुकान वाराणसी में जितने भी पब्लिकेशन वाराणसी के ऊपर आए हैं, चाहे वो इंडियन पब्लिशर्स की गाइड बुक्स हों, चाहे विदेशी गाइड बुक जैसे लोनली प्लैनेट है, गी दी रुटार्ड है फ्रांस से, और गिया देल त्रोता मुंदो से स्पेन से, और रुटार्ड और कई यूरोपियन लैंग्वेजेस में आती है, या हमारे जो भारतीय पब्लिकेशन हैं जो हिंदुस्तान के शहरों के बारे में लिखते हैं, उन सभी शहरों दुकानों में किताबों में मेरी दुकान रिकमेंडेड है। और सिल्क की मेरी स्टार्टिंग जो रेंज है वो 5,300 से शुरू होती है वर्तमान में और वो 80,000 तक जाती है। इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे ये प्योर सिल्क है, इसी में प्योर सिल्क का शिफॉन कपड़ा भी बनता है जिसको जनरल भाषा में खड्डी शिफॉन बोला जाता है। ये शिफॉन का टिशू का कपड़ा है, ये शिफॉन में मीनाकारी का कपड़ा है जिसके ऊपर हमने मीनाकारी का वर्क किया हुआ है। मीनाकारी के कपड़े में जाल के डिज़ाइन भी बनते हैं बूटा के साथ साथ, तो ये रेंज जो है अलग अलग बनती है। और शिफॉन जनरली 7,500-8,000 रुपये से शुरू होती है और इसकी मैक्सिमम रेंज 20-22,000 तक होती है मेरे यहाँ। और मैं नॉर्मल जरी का सामान भी बनाता हूँ, मैं असली जरी का सामान भी बनाता हूँ जिसके अंदर चांदी और सोने का मिक्सचर आज भी होता है। और ये एक साड़ी जो कि एक वेडिंग साड़ी है, मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरी मैक्सिमम रेंज है, ये 80,000 रुपये की साड़ी है। और जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाई ये 5,300 की साड़ी है। और मेरे पास में डिज़ाइनर साड़ीज़ का कलेक्शन भी होता है, जैसे आप इस साड़ी को देख सकते हैं, ये टेस्टेड जरी पे साड़ी है, इसके अंदर सोना और चांदी इसके तार में मिक्स है एक सर्टन परसेंटेज। इसमें एक हमारा ये आप बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वर्कमैनशिप आप देख सकते हैं। जनरली वीडियो बना के यूट्यूब पे डालने वाले अपने सबसे अच्छे डिज़ाइंस नहीं दिखाते, उन्हें नकल हो जाने का डर होता है, लेकिन मैं अपने यहाँ पे आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ आपके प्रोडक्ट्स अपने सामने रख रहा हूँ। मैम एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, यदि आप असली नकली का कपड़ा देखना चाहते हैं तो धागा साड़ी में से निकाल के, या विशेष रूप से जो साड़ी आप लेना चाह रहे हैं जो आपको पसंद आ रही है उसमें से एक धागा निकाल के उस धागे को जलाइए, और अगर वो असली होगा तो वो बर्निंग हेयर का आपको या बर्निंग ह्यूमन फ्लैश वाला आपको स्मेल देगा, पहली टेस्ट। दूसरी टेस्ट, कभी भी प्योर सिल्क का धागा या प्योर वूल का धागा या प्योर पश्मीना का धागा, जो मैं आपको अभी स्टोल्स भी दिखाऊंगा, वो जलने के बाद कभी भी आपको पॉलिस्टर की तरफ फ्लेम नहीं देंगे, कभी भी आपको उनमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बदबू नहीं आएगी जलाने पे जब आप सूंघेंगे उसको। और अगर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा या मैनमेड फाइबर या सिंथेटिक होगा तो वो सदा जलने के बाद में एक छोटी सी बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपकी स्किन से चिपक जाएगा और आपकी स्किन को जला देगा। जब भी मैं सिल्क साड़ीज़ के बारे में सोचती थी तो मेरे माइंड में ना हमेशा ये इस तरह से चमकीले कुछ डिज़ाइंस और इस तरह का कपड़ा ही माइंड में हमेशा आता था, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर देखा इतने सुंदर सुंदर, ये यहाँ पर देखिए कॉटन में भी ये कितना सुंदर कलर है ये, और रेंज बहुत ही रीज़नेबल है। यहाँ पर आपको 2000 की रेंज में भी, आई मीन ये 2200 लिखा हुआ है इस पर, 2200 में बहुत अच्छा आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। कॉटन में बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स हैं, देखिए मुझे कॉटन ज़्यादा पसंद आ रहा है, कॉटन सिल्क। और हालांकि इनको वॉशेबल हैं ये, बहुत इजीली आप इनको रख सकते हैं यहाँ पर। ये इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, 16,100 ये शिफॉन में है, ये मुझे शिफॉन वैसे भी बहुत पसंद है। और लेकिन इनको सबको आपको रखना थोड़ा सा ईजी नहीं होता है क्योंकि ये ड्राई क्लीन कराने पड़ते हैं। इतनी सुंदर सुंदर वैरायटीज देखिए, स्टोल्स, सिल्क स्टोल्स इतने प्यारे प्यारे हैं यहाँ पर, पश्मीना, जीवन पश्मीना तो हम कश्मीर जाते हैं ढूंढते हुए, यहाँ पे हमें सेम वही पश्मीना मिल रहा है, इतना सॉफ्ट जो आप रिंग से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बट मैं इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन आप इनकी वेबसाइट आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, hemagaurisarees.com के नाम से है वो, हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप चेकआउट ज़रूर करें, और उसके बाद इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा तो आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस दिखाते हैं, जहाँ पर अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए रहने आना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको किचन ऑप्शन भी मिलता है।
तो यहाँ पर हमने आपको होम स्टे में कुछ रूम्स दिखाए हैं। जस्ट इस होम स्टे के सामने ही आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यहीं पर वो अपार्टमेंट्स हैं। आइए हम आपको अपार्टमेंट्स दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेटेड पार्किंग भी मिल जाती है, तो अपना व्हीकल खड़ा कर सकते हैं आप। लिफ्ट भी है यहाँ पर। तो देखिए हम आए हैं थर्ड फ्लोर पे, तो लिफ्ट होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हम आपको ये 3 BHK दिखा रहे हैं अपार्टमेंट। इसमें 3 बेडरूम है, इजीली 3 फैमिलीज़ रह सकती हैं, या फिर 6 लोग अगर आप एक ही फैमिली के हैं तो आप रह सकते हैं। साथ में आपको किचन ऑप्शन मिलता है फुल यूटेंसिल्स के साथ। फ्रिज है, RO है, जो मिनिमम आपको चीज़ें चाहिए, गैस स्टोव है और काफ़ी स्पेशियस भी है। कुछ रूम्स आपको ट्विन बेड में मिलते हैं, कुछ रूम्स में आपको डबल बेडिंग मिलती है, साथ में आपको सोफ़ा कम बेड मिल जाता है। तो अगर और भी कोई एक्स्ट्रा पर्सन है आपके साथ या बच्चे हैं तो इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं, बट उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो टोटल आपको वॉशरूम यहाँ पर 2 मिलते हैं, एक रूम के साथ अटैच्ड है, बाकी 2 रूम के साथ एक कॉमन वॉशरूम है। और ये 6 लोगों के लिए यहाँ आपको जो टैरिफ मिलता है अगर आप पर डे बेसिस पे लेते हैं तो 7,000 रुपीज़ में मिलता है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आते हैं तो डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे और नंबर्स भी, आप खुद से डायरेक्ट कॉल करिए और बेस्ट डील के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। सभी रूम्स में आपको यहाँ पर एयर कंडीशन मिलता है, तो मुझे लगता है कि बेसिक एमिनिटीज़ के साथ आपको फुली फर्निश्ड यहाँ पर ये 3 BHK मिलता है। तो देखिए हमने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं रहने के, हमने आपको आश्रम का ऑप्शन दे दिया, हमने होम स्टे दिखा दिया, अपार्टमेंट्स दिखा दिए, और जहाँ पर हम फर्स्ट नाइट रुके थे होटल एलिगेंस, वहाँ पर भी अगर आप होटल फैसिलिटीज़ के साथ रहना चाहते हैं उस तरह का, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर रेस्टोरेंट होते हैं, आपको सर्विसेज उस तरह की 24 आवर्स मिल जाती हैं, तो अगर आप होटल ऑप्शन लेना चाहते हैं, थोड़ा सिटी से बाहर भी है क्योंकि, तो कन्वीनियंट हो जाता है, आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। होटल एलिगेंस की भी डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, DLW के बिल्कुल पास है, जहाँ पर आकर हमेशा मोदी जी रुकते हैं। लेकिन अभी तो हमें, क्योंकि वापसी के लिए निकलना है, ट्रेन है हमारी 3 बजे और अभी ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, तो जल्दी से लंच कर लेते हैं, क्योंकि मैम के खाने की इतनी तारीफ सुनी है, तो अब खाना भी खा लेते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं ऋषिकेश की तरफ। तो आइए खाना खा लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर टेबल सजी हुई है हमारे लिए, खाना बिल्कुल रेडी है, और पूरा जो आप आसपास जो चीज़ें देखेंगे, राधा कृष्ण जी देखिए इतने सुंदर यहाँ पर हैं, और पूरा यहाँ पर राम दरबार है यहाँ पर। तो देखिए आज के मेन्यू में बहुत सारे डिशेस, मतलब बिल्कुल अलग भी हैं। दाल राइस तो हमारे लिए ठीक है, हमने खुद ही बोला था कि हम प्रेफर करेंगे दाल राइस खाना, लेकिन साथ में देखिए ऐसा लग ही रहा कि ये घर में बनाया हुआ है फ्राइड, ये जैसे वो होता है कढ़ाई वेज, उसी तरह से अलग अलग ये भिंडी है, परवल है, और ये भरवा करेला, सॉरी बैंगन, ये बनारस में हम लोग इसको कलौंजी, कलौंजी ये कलौंजी बोलते हैं बनारस में इसको। और देखिए रायते में मुझे लगता है ये जैसे बड़ी बड़ी टाइप होती है ना, वही है, बट ये बूंदी का बड़ा रूप है, तो इसको बूंदिया बोला जाता है। यहाँ खाने में तो मुझे मतलब अभी रुका नहीं जा रहा मुझसे, तो मैं जल्दी जल्दी खाने के लिए सोच रही हूँ। यहाँ पर साथ में हमें डेजर्ट में खीर बनाई गई है, जो कि गुड़ इसमें डाला गया है, शुगर क्योंकि आजकल सभी अवॉइड करते हैं, हम भी कभी कभी डाइटिंग कर लेते हैं, बट गुड़ की खीर का मज़ा ही अलग होता है। चलिए दाल राइस खाते हैं फटाफट से। इतने डिलीशियस खाने का ये जो सारा खाना प्रिपरेशन देख रहे हैं, ये सब मलिका मैम के हाथों से बना हुआ है और इतने प्यार से बनाते हैं ये, इसीलिए खाने में जो स्वाद है वो एक्चुअली प्यार है, इसीलिए इतना स्वादिष्ट खाना बनता है। थैंक यू मलिका मैम। हमें यहाँ आने वाले हर मेहमान को एक घर की फीलिंग देनी है, घर का खाना खिला के उनके चेहरे की वो संतुष्टि देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पिछले 13 साल से हमारा ये होम स्टे हम रन कर रहे हैं। देखिए ज़्यादातर होम स्टेज लोग प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वो होमली फील मिलना चाहिए। और गिरीश भैया ने बहुत पहले ये बात कही थी, मैं कई जगह पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि खाना स्वादिष्ट तभी होता है जो खाना बनाने वाले के भाव होते हैं, वो उस खाने के अंदर आपको दिखते हैं, वो स्वाद के जरिए आपके मुंह में आते हैं। तो यहाँ पर जिस भाव से मैम ने बताया, पिछले 13 साल से वो इस होम स्टे में जितने भी गेस्ट आते हैं अपने हाथों से वो खाना बनाकर उनको खिलाती हैं, वो भाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है और इसीलिए शायद ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर ऑल्सो। वाराणसी को एक अल्लड़ शहर कहा गया है, और वो अल्लड़ इसीलिए कहा गया है क्योंकि जनरली हम किसी शहर में जाते हैं ये सोचकर कि हम अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर लोग अपने अंतिम समय में आते हैं
मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो ये इसे मोक्ष सिटी भी कहा जाता है और इसीलिए हमें ये लगा कि ये एक बहुत, ये तो सिर्फ एक शायद 20% हमने अभी तक कवर किया है, बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए। तो हम जल्दी आएंगे, इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।